Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार को बाढ़ की समस्या से निदान दिलाने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात की। पंकज जी, जो हम देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, आए किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, बिहार में बाढ़ आती है हर साल, 250 साल पुरानी इतिहास है। अंग्रेजी शासकों ने भी कोशिश करी थी, और कोसी नदी सबसे भयावह नदी, नदियाँ तो कई हैं लेकिन सबसे जो भयावह स्थिति लाती है वो कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियाँ हैं जो बिहार में 70% बिहार को तबाह करती है। कोसी नदी का अपना एक इतिहास है। कोसी नदी 7 नदियों से बना हुआ कोसी नदी है। कोसी नदी के किनारे ही, कोसी नदी के पास ही कुशक ऋषि जी थे जो विश्वामित्र जी को ऋषि का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी बिहार की वो ऋषियों में गिनती है उनका, जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र हिंदू धर्म में सभी मंत्रों का उद्गम स्थल है। से अभी आपने बोला बिहार में जो बाढ़ आती है उसको लेके आप लोग यहाँ आए जी, तो ये बिहार में जो बाढ़ आती है किससे मांग कर रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा की जो बाढ़ आती है? अभी जो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं जी, रामनाथ कोविंद जी, और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन देंगे, और पूरे बिहार ही नहीं देश की जनता से एक अपील करते हैं कि आप लोग एक पोस्टकार्ड राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम से लिखें कि हम लोगों को जो स्थिति, दयनीय स्थिति है, वो सिर्फ बाढ़ के कारण है। कारण हम लोग किसी भी प्रदेश में जाते हैं, आपने देखा होगा, पूरा वर्ल्ड जानता है इस चीज़ को कि बाढ़, हम लोग जो बिहारी समाज के लोग होते हैं किसी भी प्रदेश में जाते हैं, गालियां खाते हैं, मार खाते हैं। हम लोगों की कमाई का जो पैसा होता है, जो बचता है इन प्रदेशों में बचने के बाद, तो हम लोग जब बिहार में पहुंचते हैं वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, या तो सुखाड़ की चपेट में चला जाता है या तो बाढ़ की चपेट में चला जाता है। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से हम अपील करते हैं कि इस दिशा में कोई ठोस कारगर उपाय करें। इसमें काफ़ी बच्चे मर गए, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ आए हुए हो? हम लोग खास करके 2 कारणों से आए हैं, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए, दूसरा मुजफ्फरपुर में मस्तिष्क बुखार से जो बच्चे मरे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, खास करके दरभंगा में DMCH है, मुजफ्फरपुर में हाँ डॉक्टरों की भी कमी है। तो ये किससे अपील आप करना चाह रहे हैं? हम स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नीतीश कुमार जी से भी। वो कारण हमारा ये है कि बिहार के अंदर जो बच्चे मरे हैं, और बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है, ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे यहाँ पहली बार मरे हैं, इससे पहले भी गोरखपुर के अंदर पिछले साल हमारे यहाँ पर बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मरे। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में हर साल कुछ ऐसा कारनामा होता है जिससे हमारे यहाँ पे बच्चे मारे जाते हैं। इसके लिए अभी आप देखिए कि जब ये घटना हुई इसके बाद फिर क्या होगा कि हम अस्पताल बनवा रहे हैं 1100 बेड वाला। अब मैं पूछना चाहूँगा नीतीश कुमार जी से कि वो कहाँ गया 1100 अस्पताल वाला बेड जिसकी आपने बात करी थी बिहार के अंदर। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि लीची खाने से बीमार हुए हैं। साहब, आप उनकी हालत जाके देखिए, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो लीची खरीद के खा सकें। अगर वो लीची खरीद के खा सकते ना, तो वो अपने बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल में कराते। और दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है कि इसकी कोई जड़ नहीं पता, इसकी कोई समस्या नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर यही बीमारी किसी प्रधानमंत्री को, किसी राष्ट्रपति के बेटे को लगी होती, तो क्या तब भी ये जवाब होता सरकार का? और दूसरी बात, सबसे शर्म की बात जब होती है, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी क्रिकेट का स्कोर जानते हैं, जब ये बच्चों के ऊपर मीटिंग बैठी होती है, और दूसरी बात उन्हीं के बगल में बैठे हुए मंत्री जी चैन की नींद ले रहे होते हैं, तो कितने शर्म की बात है। और दूसरी बात, CM अरविंद केजरीवाल जी, उनके मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हमारे यहाँ से जरूरत पड़े तो हम टीम भेजेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की खांसी का इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में है नहीं, और आप दिल्ली से टीम बिहार भेज रहे हैं। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हर साल ऐसा क्यों होता है? मोहम्मद आरिफ जी, जैसे हम देख रहे बिहार में जो बाढ़ है उसकी समस्या को लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे है, और जो अभी बुखार में वहाँ बच्चे मरे हैं उसको भी यहाँ पे आप लोग लेके आए मुद्दे को, तो ये मांगे किससे यहाँ पे आप करने? हम इन सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारी मांग है कि जिस तरीके से, ये कोई नई बात नहीं है वहाँ पर बाढ़ आना, लेकिन बाढ़ आता रहा है वहाँ पर हमेशा, लेकिन सरकार ने कभी भी, गवर्नमेंट ने उसके रोकथाम के लिए कोई काम नहीं करा। और ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बिहार बह गया जी, दरभंगा साइड से बह गया, पानी आ गया, नेपाल से छोड़ दिया, उसके रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है आज तक? ये तो अपना जेब भरने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी गरीब जनता के लिए नहीं सोचा। यानी कि जो नेता लोग हैं वो अपनी राजनीति सेकने में, अपनी राजनीति सेक रहे हैं और वही कर रहे हैं। कहाँ गए बड़े बड़े वादे? तो अभी बहुत सारे कर रहे थे, इन्होंने कौन से वादे निभा दिए हैं? तो स्वास्थ्य के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? स्वास्थ्य के ऊपर, जो अभी बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, और जो इनका जो अभी हाल है, आपने देखा होगा कि अभी इन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर तो उंगलियाँ उठा दी,
क्या डॉक्टर हर्षवर्धन जी वहाँ पर बैठे हुए, उनको स्कोर वगैरह सब मालूम है, बगल में उनके मंत्री बैठे वो सो रहे हैं। ये बहुत बड़ी निंदनीय है कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल नहीं है और वो बैठ करके बिल्कुल घोड़े भेज करके सो रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप किससे अपील करना चाह रहे हैं? अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करना चाहेंगे, बाकायदा मोदी जी से करना चाहें। अभी बड़ी बड़ी बातें ही जो करी थी तो बातों को अपने पूरा करें और बिहार के अंदर जो बाढ़ आ रहा है और जो बच्चों के स्वास्थ्य के साथ पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में बच्चों बच्चे बूढ़े और सबके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके ऊपर भी कोई पैकेज निकाले ही है, कोई ना कोई कानून इसके ऊपर भी नया निकाले ताकि जो ये डॉक्टर लापरवाही करते हैं वहाँ पर दवाइयाँ नहीं पहुँच पाती, टाइम से दवाइयाँ पहुँचे और डॉक्टर पहुँचे, जो लापरवाहियाँ हैं उनको जो है वो सही करेंगे। मेरा नाम शक्ति कुमार सिंह हुआ। शक्ति कुमार जी, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग आए, किन मांगों को लेके आए? मेन जो हमारा प्रोटेस्ट है वो बाढ़ के मैटर को लेके जो बिहार में हर साल आती है, मेरा डिमांड है कि डैम क्रिएट हो वहाँ पे। डैम क्रिएट होने से दो फायदे हैं, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बैठेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और जॉब भी क्रिएट होगा लोगों के लिए, और एक इरीगेशन कैनाल बनेगा जिससे पीसी कल्चर होगा जिसे मत्स्य पालन कहते हैं। तो दो फायदे, एक तो बाढ़ से निजात भी मिल जाएगा, डैम क्रिएट होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बैठेगा तो जॉब भी क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी। तो ये डिमांड है हमारा जो कि करंट में अभी गवर्नमेंट हमारी चल रही है बिहार। अच्छा, जो बिहार में अभी जो बच्चे वहाँ पे बीमारी के कारण मरे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। इसमें देखिए, एक तो हेल्थ जो मिनिस्ट्री है अपने बिहार की वो बहुत ही ढीली और लचीली है। हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए कि जो वाटर का जो प्रॉब्लम है जिससे बैक्टीरियल ये डिजीज फैल रहा है जिसको कहते हैं ब्रेन फीवर कह रहे हैं, एक तो इतनी पानी की गंदगी वहाँ पे, पानी का सोल्यूशन जब तक वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा मुजफ्फरपुर के अंदर तब तक ये बीमारी का सॉल्व बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जो स्वच्छ पानी है वो सप्लाई हुआ मुजफ्फरपुर सिटी के अंदर जिससे इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सके। तो किससे ये मांग कर रहे हैं? मांग बिल्कुल गवर्नमेंट से है हमारा। कौन सी गवर्नमेंट? बीजेपी प्लस जेडीयू गवर्नमेंट जो करंट में चल रही है हमारी बिहार के अंदर। थैंक यू। ओके जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी जो बिहार में जो बच्चों का जो मर गए इसका 100% जो जिम्मेदार ना CDMO चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और वहीं का हेल्थ मिनिस्टर है, वहीं का चीफ मिनिस्टर है, और जो कि बिहार में हमेशा ना डेथ रेट कहीं ना कहीं हमेशा डेथ रेट हमेशा बिहार का ना हाई है, ठीक है, उड़ीसा बिहार ये सब हमेशा डेथ रेट ना हाई है। इसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं के CM है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल लाइट ले लिया, उनका लाइफ तो बाय एयर हमेशा है पर उन्होंने नीचे जमीन लेवल पर कभी देखा नहीं है। विपिन राज जी, जैसे यहाँ आप लोग आए हुए हो जी, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मेनली हमारा एक संगठन है नेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी मिशन, जो इस टीम के सभी सदस्य हैं, हम लोग डबल इंजन सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में हर गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बनी है आज से नहीं सैकड़ों सालों से उन्होंने ये मांग करते रहे हैं कि आवाज़ भी दिए हैं कि हम डैम बनाएंगे। कोसी क्षेत्र 100 बिहार के शोक नदियों में से एक है, इसको काफ़ी भयंकर प्रलय लाती है, 70% बिहार इसकी चपेट में है। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो मस्तिष्क ज्वर के कारण जो बच्चे मर रहे हैं, जो SKMCH हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर में, उनमें तमाम मिनिस्टर गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर गए, स्टेट गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर गए, कहने के लिए डबल इंजन सरकार है, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी कल के भी आप आंकड़ा उठाकर देखें तो 67 बच्चों की डेथ हुई है। वैशाली में जाकर देखिए, तमाम मीडिया रिपोर्ट में भी जाकर देखिए, मीडिया रिपोर्ट में भी है कि वैशाली में बच्चे नहीं है, मतलब वहाँ घर के घर बच्चे खाली हो गए और गवर्नमेंट अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। इन गवर्नमेंट का यह है कि हमने स्पेशल टीम भेज दिया है लेकिन कोई टीम भी नहीं गई है। इसी के निदान के लिए हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आंदोलन किए थे कि गवर्नमेंट इसकी सुनवाई करे और जल्द से जल्द डॉक्टर के वहाँ पे भी टीम भेजे, क्योंकि उससे मुक्ति नहीं मिली है। अभी भी बच्चों को मरने की संख्या डेली 50 से 60 है, डैम के भी निर्माण नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट पूरी तरह डबल इंजन सोई हुई है। इसको डबल इंजन में मतलब कोई ड्राइवर ही नहीं है तो फिर चलेगा कैसे? इसी चीज़ के लेकर के हम लोग आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को ज्ञापन देंगे, बिहार सरकार को भी ज्ञापन देने का काम करेंगे, और इस पर अगर वो लोग सुनवाई नहीं करते हैं तो इसको एक जन आंदोलन के रूप में इसको तब्दील करेंगे और एक पोस्ट कार्ड के नाम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम से एक। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।